गाइज, अगर आपकी एक भी रील्स वायरल नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपको रील्स अपलोड करने का तरीका नहीं मालूम है। गाइज, आप साइड में देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर 155,000 फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से। अब देख सकते हो 19 मिलियन की अकाउंट रीच है इस पर। अब मैं आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ कि कितने व्यूज़ मेरी रील्स पर आते हैं। तो देख सकते हो गाइज, हज़ारों में, लाखों में और काफ़ी ज़्यादा वीडियो, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हुए। ठीक है, लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो पर गए थे 30 मिलियन व्यूज़। समझ सकते हो 30 मिलियन कितना होता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने रील्स को अपलोड करना है कि आपके रील्स भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ पार करें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, किस तरीके से आपको रील्स अपलोड करनी है ये जानने के लिए चलना पड़ेगा आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद अब आपको सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम और सर्च कर देना है। इंस्टाग्राम सर्च करते ही देख सकते हो आपके सामने ये आ चुका है। अब देखना है इसका कि अपडेट आया है कि नहीं। फिलहाल तो इंस्टाग्राम को कोई अपडेट है नहीं, तो हम इसे यहीं से ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद साइड में आपको प्रोफाइल दिख रही होगी, वहाँ पे क्लिक करना है। साइड पे प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद 3 लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको आना है और चेक करना है अकाउंट स्टेटस। इस पर क्लिक करते हैं। अकाउंट स्टेटस पे आपको ये देखना है कि रिमूव कंटेंट भी आपका कट नहीं होना चाहिए, ना ही व्हाट कांट बी रिकमेंडेड पे कट नहीं होना चाहिए, और फ्यूचर यू कांट यूज़ भी कट नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों ग्रीन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सही है। इसका मतलब जो है कि हमारा अकाउंट जो है वो अनफ्रीज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैक चलते हैं। बैक पे आते ही आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो रील्स अपलोड करनी है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है, काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, पोस्ट में अपने रील को अपलोड कर देते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, रील वाला सेक्शन ही चूज़ करना है। रील वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से अब आपको जो रील्स पसंद हो, जो भी रील्स आपने नहीं बनाई हो ताज़ी, वो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम चूज़ कर लेते हैं जो भी रील्स हमें अपलोड करनी है। कौन सी रील अपलोड करें, कौन सी करें, बहुत ही नहीं जाना, ये रील्स ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया दोस्तों, ये अपलोड नहीं करूँगा मैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजी कर सकते हो। कोई से भी ट्रेंडिंग म्यूज़िक लेकर के यहाँ आप इजी कर सकते हो। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस है तो आप इनहेंस म्यूज़िक का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आपकी बैकग्राउंड की नॉइस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो आप यहाँ से। आपको वीडियो एडिट करनी है तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपने अपनी वीडियो को एडिट नहीं कर रखा होगा तो यहाँ से आप अपनी वीडियोस को एडिट भी कर सकते हो। तो हम बैक चलते हैं, हमारी वीडियो से पहले से एडिट कराई कराइए। तो हम बैक चलते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एडिट कवर फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्यारा सा कवर फ़ोटो चूज़ कर लेना है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो कवर फ़ोटो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आप अगर आप मतलब कहीं से ऐड भी करना चाहते हो, जैसे आपको कवर फ़ोटो में से फ़ोटोज़ अच्छे नहीं लग रहे, तो आप इस पर ऐड भी कर सकते हो। ऐड फ्रॉम कैमरा रोल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से अब आपको जो भी कवर फ़ोटो उस पर लगाना है वो आप इजीली लगा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कोई सब कुछ भी ले लेते हैं, ये कवर फ़ोटो मैंने ले लिया। डन पे क्लिक करते हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से अब आपको कैप्शन में क्या लिखना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ कैप्शन में आप क्या लिख सकते हो, वेट फॉर द ट्विस्ट, ये भी लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप एक प्यारी सी इमोजी लगा दो, जैसी भी सिचुएशन आपके रील की, हाँ कॉमेडी है तो कॉमेडी हंसी में वाली इमोजी लगा सकते हो। नीचे चलते हैं, यहाँ से अब आपको 3 हैशटैग लगाने हैं। सबसे पहला हैशटैग आपको लगाना है इंस्टा रील का, इंस्टा रील्स। सेकंड में आपको लगाना है, ठीक है, ट्रेंडिंग रील्स का। और थर्ड में आपको लगाना है वायरल रील्स का। ये 3 हैशटैग आपने लगा दिए। यहाँ से अब आपको अननोन, ये मैं अपना हैशटैग लगा रहा हूँ, आप अपना हैशटैग लगा सकते हो अपने नाम का। तो ये मेरे नाम का हैशटैग मैं यूज़ करता हूँ। 4 हैशटैग हो गए। पोल डालना चाहो तो आप यहाँ से भी पोल डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी। नीचे चलना है। नीचे चलते आपको अब एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अपने जो लाइक है उनको हाइड कर देना है। ठीक है, लाइक हाइड कर दोगे तो ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे आपको, ऐसा लोगों का मानना है। तो हमने भी सोचा चलो हम भी मान लेते हैं। ऑलो गिफ्ट ऑन दिस रील, अगर आपको गिफ्ट का ऑप्शन मिला तो आप यहाँ से इसे ऑन कर देना, जिसको आपको गिफ्ट करना होगा वो आपको गिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से ये काम पूरा हो चुका। अब यहाँ से टैग पीपल की पे क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप किसी के साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हो तो कोलेब्रेशन कर सकते हो, या फिर उसे टैग करना चाहते हो तो टैग कर सकते हो। तो लगभग यहाँ पर हमारा जितना काम था वो कम्प्लीट हो चुका है।
अब आपको क्या करना है, शेयर के बटन पर दबाना है और ये रील्स को अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, मेरे को रील्स को अपलोड करनी नहीं है। तो आप यहाँ से रील्स शेयर के बटन पर दबाओगे तो आपको जो भी ओरिजिनल रील्स होगी उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ से सारा काम खत्म होता है। सो गाइस, ये तो आपको पता चल गया कि कैसे आपको रील्स को अपलोड करना है। अब ये भी जान लेते हैं कि किस टाइम पर आपको अपनी रील्स को अपलोड करना है। मैं दो टाइमिंग बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली टाइमिंग है सुबह 8 बजे आपको एक रील्स को अपलोड करना है और शाम को 7 बजे एक रील्स को अपलोड करना है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप रील्स अपलोड करते रहिए, आपकी रील्स भी धीरे धीरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ पार करने लगे, हज़ारों लाखों में व्यूज़ आने लगेंगे आपके भी। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।